से काफी उम्मीदें थी, खास तौर से जो चाइना में जो स्टिमुलस पैकेज दिया जा रहा था, लेकिन असर खास पड़ा नहीं। एक दो दिन के बाद फिर ठंडे पड़ गए सबके सब। एक महीने में 11.5% ये शेयर टाटा स्टील का टूटता हुआ दिखाई दिया है। सेल की भी वही हालत है। मेटल का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है इनको? खैर तो स्टॉप लॉस चाहिए, 1 साल का नज़रिया है तो लंबा नज़रिया है, तो क्या कुछ से भविष्य आपको मेटल पैक का दिखाई दे रहा है, खास तौर से टाटा स्टील? देखिए, मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ। जब चाइना ने प्लान किया कि मैं 9 ट्रिलियन युआन के आसपास का एक पैकेज दूंगा इकोनॉमी को, तो ये जी पैसा तो आप कैपिटल रेस करेंगे बाजार से, तो उसके लिए टेकर्स भी होने चाहिए। वो आपके बॉन्ड को सब्सक्राइब करें, और आपके पास ना पैसा है तब तो आप रियल एस्टेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को बूस्ट दे पाएंगे। 2008 में सिमिलर सिचुएशन बनी थी जब 4 ट्रिलियन युआन के आसपास चाइना ने रेस किया था। डेट टू जीडीपी में बड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी, पर बड़ा प्रेशर इकोनॉमी में देखने को मिला था। तो देखिए, जब कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर उनके आए हैं, डिस्कशन हुआ है, तो वहां पर भी देखिए क्लैरिटी नहीं मिल रही है चाइना में। इसलिए देखिए, आप अगर आप हैंगसेंग को देखें, ठीक है, या आप शंघाई कॉम्पोजिट को देखें, तो वहां पर एक कंसोलिडेशन का दौर जारी है। बाजार ऊपर की तरफ कन्विंसिंगली चल नहीं पा रहा है। तो जो एक बूस्टर मिला था मेटल सेक्टर को इंडिया में, वो थोड़ा सा फेल होता हुआ दिखाई दे, इसलिए देखिए गिरावट देखने को मिली है। ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि अगर दोबारा हैंगसेंग में तेजी देखने को मिलती है, बिल्कुल मेटल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपको रहना ही है तो हिंदुस्तान जिंक वगैरह में रहिए,